ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं कल आ गया था हरदोई से, तो आज जो है ब्लॉग मैंने एडिट नहीं कर पाया। एक्चुअली हुआ क्या कि उसकी वजह जो है वो है अनी की, क्यों अनी की वजह से मैंने जो है आज ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ऑल आउट से जो है सख एलर्जी है, और इन्होंने जो है रात में मुझे बिना बताए से ऑन कर दिया। तो इस वजह से हम लोग तो परेशान थे, आप तो ऐसे सवाल तो घोड़े बैठ चुके हैं यहाँ। मेरे इतना सारा बच्चे मैंने काट लिया। काट लिया था? और क्या। ओहो, मेरे बेटू को भी काटा? और क्या, शनाया को भी काट लिया? और शनाया के कल देखो एक इनकी बुआ ने नेल्स मार दिया। कैसी है आपकी बुआ? हाँ मार दिया ना। हो मेरे बेटे को मार दिया, चलो कोई बात नहीं। बट इस वजह से जो है अगली अगर ये रात में चल जाए ना तो भाई मेरा सर दर्द होने लगता है, तो सुबह इसलिए जो है मैं उठ नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, अभी टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉग एडिट कर लूंगा, बट देखता हूँ अगर आज अपलोड करने का मूड हुआ तो कर देंगे, नहीं तो जो है मॉर्निंग में ब्लॉग आ जाएगा। तो आज है नवरात्रि का सेकेंड डे, तो अनी ने भी जो है फास्ट रख रखा है। और बाकी क्यों, और कौन कौन है अपने यहाँ? पापा मम्मी पापा भी हैं क्या? इनकी बुआ लोग। ओके बेटू, आपने फास्ट नहीं रखा क्या? आप भी रख लेती भाई। हाँ ये तो इनका तो फास्ट ही है, क्योंकि एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क कंज्यूम कर रही हैं, तो इन्हें दो, सुनो मेरी बात, इन्हें और कुछ मत खिलाना, उससे फास्ट रहे, हो जाएगा ना। क्या दूधू, दूधू का नाम लिया आपको, दूधू चाहिए? कहाँ, देखे देखे देखे, सर में है क्या कुछ? नहीं सर में तो कुछ नहीं, ऑल लाइट। अरे अरे क्या हो गया, क्यों खुजली कर रही हो, जुए तो नहीं हो गए आपके? इसे क्या हुआ यार? क्या हुआ बताओ। तो सनाया जो है काफी देर से मेरी उंगली पकड़ पकड़ के फोन में लगा रही थी कि मम्मा का जो है फोन एक खोल दो आप, तो इस तरीके से फिंगर लगा रही थी। इन्हें भाव देखना है बेटू, ज्यादा भाव नहीं देखते हैं अच्छे बच्चे। ओके दादी के पास जाओ। और सनाया जो है रात में कहीं चाचू बुआ कहीं, मतलब ये 11 बजे रात में चिल्ला रही थी कि मुझे जो है बुआ जी के पास लेके चलो, ये है इनका हाल आजकल। तो इन्हें जो है इनकी मम्मा ने झूला झूला के ऐसे 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 करके सुलाया, तो ये एकदम गहरी नींद में जो है चली गई। एक्चुअली अब की कई सालों से जो है मैं फास्ट नहीं रख पा रहा हूँ, रख पाने वाली ऐसी बात है एक्चुअली, मतलब ट्राई नहीं किया। पहले तो जो है मैं भी रहा करता था बचपन में, जो है हम लोग पूरे पूरे फास्ट रखते थे पूरे पूरे फैमिली। जो है ऐसा सीन नहीं बन पाया क्योंकि बाहर आना जाना लगा रहता था। पहले क्या होता था कि बस जो है स्कूल ही जाना होता था, और घर के पीछे जस्ट स्कूल था, तो आराम से जो है घर पर रहते थे, कहीं बाहर जाने का सीन नहीं रहता था। अब तो इधर उधर जाना रहता है तो हो नहीं पाता है। बाकी घर पे तो इस बार जो है ऑलमोस्ट सारे लोग हैं, बस धनंजय मम्मी पापा को छोड़ के। 9:45 हो गए, 10 बजने को हैं, बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, तो भाई अभी लंच वगैरह बनेगा। एक्चुअली सभी लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो पहले लोग पूजा पाठ कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद में जो है लंच की तैयारी हो। तो लंच तो आ गया, तो बाय द वे आज लंच में है दाल, आलू सोया की सब्जी और सैलेड। वो काफ़ी तेज़ लग रही है, और सोया आलू की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। और लंच हो रहा है 11:15 बजे, हरदोई में होते हैं तब तो, या फिर जिस दिन कोर्ट जाते हैं तब तो लंच हो जाता है 9:30 पे हमेशा। और घर पे रहो तो फिर उतनी भूख भी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों, अगर जाना होता है उस दिन तो जो है 9:30 बजे तक काफ़ी तेज़ भूख लग जाती है। तो फटाफट इसे फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद में क्या कह रही हो, क्यों सुना है, क्या कह रही हो? हैप्पी टू यू। तो फिलहाल जो है बाहर पत्थर पूरा पड़ गया है, तो इधर दिखाते हैं, तो इधर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले यहाँ पे जो है काफ़ी कबाड़ भरा रहता था, तो अब जो है सही हो गया। एक्चुअली अभी इसकी घिसाई बाकी है, तो घिसाई हो जाएगी तभी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और इधर अभी जो है गेहूँ सुखाए जा रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें जो है अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये अच्छी तरीके से जब ये सूख जाएगा नीचे से ना, उसके बाद में इसमें जो है घिसाई वाली मशीन चलेगी, क्योंकि अभी अगर मशीन चला दी जाएगी ना तो ये नीचे जो है पूरा बैठ जाए, तो इसलिए इसमें जो है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या हुआ आप इतने ही खुश क्यों हो आज? कुछ ना कुछ तो बात है। कुछ कुछ नहीं है, आप रिकॉर्ड करने लगे, कुछ कह रहे थे यार। अरे कह रहा सर्फ एक्सेल का एक वो उपाय करना था। यहाँ पे सर्फ एक्सेल कहाँ मिलेगा? अटकड़ वक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, और इन्हें पसीना बहुत आ रहा है। तो ये है गाइस, बोर्ड का स्पीकर है, और एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड ने ऑर्डर किया था,
तो उन्होंने कहा था कि जो है आप अपने घर पे जो है ऑर्डर कर लो, तो बाद में मैं संडे को जो है आके ले जाऊंगा। तो फिलहाल मेरे यहाँ डिलीवर हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो है तो तक खाली रखा है तो इसी का इसका साउंड वगैरह ट्राई कर लें। एक्चुअली मैंने उन्हें सजेस्ट किया था ये बोट वाला ज़्यादा सही रहेगा। एक्चुअली मेरे पास है मार्क्यू का, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट जब अच्छे ब्रांड का मिल रहा है सेम रेट में 120 वॉट का है, तो मैंने कहा यही वाला ले लो। मैंने खुद से ही ऑर्डर कर दिया था, तो वो अपना आएंगे, तब तक मैं आप लोगों को इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह जो है चेक करवाता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बिल का एक्चुअली मैंने रेट तो बता ही दिया, तो बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना स्पीकर जो है बाहर आ चुका है, तो काफी मशक्कत के बाद में जो है फाइनली बाहर आ गया है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका लुक, और सामने है बोट की ब्रांडिंग, काफी अच्छा लग रहा है। बट तो इसे जो है कुछ इस तरीके से रखना है, मतलब ये फ्रंट में रहेगा क्योंकि स्पीकर है, और बाकी तो सब सही है। आई थिंक इसे फ्रंट में रखना होगा, ये साइड से। एक्चुअली ये वाले स्पीकर होते हैं, इन्हें साउंड बार बोला जाता है। पहले तो होम थिएटर वगैरह चलते थे, हालांकि अभी भी चलते हैं। होम थिएटर जो है काफी कॉस्टली पड़ता है, उसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए, बट ये वाला जो है कम जगह में लग जाता है, साउंड बार बोलते हैं, और काफी चीप भी होता है। तो फाइनली मैंने जो है इसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया है, और अब इसकी जो है साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। कोई ऐसा सॉन्ग बजाएंगे जो कि नॉन कॉपीराइट हो। काफी अच्छा जो है साउंड आ रहा है, और इसे अब जो है पैक करके रख देते हैं। जितना देर जो है इसे ओपन करने में लगी है ना, उतना ही टाइम इसे पैक करने में। तो अनी तो आ चुकी है, तो ऐसा करते हैं एनी से जो है पैक करा देते हैं। आप इसे पैक कर दोगे? इतना फैला के रखे हो आप, तो ये जो है लेके आई है व्रत वाला आइटम। व्रत में खा रही है चाय और सिंघाड़ा, अलग अलग खाएंगे। तो आप और कुछ नहीं खा रही हो क्या? क्यों, आलू वगैरह नहीं खा रही हो? आलू रात में खाओगे, ज्यादा मत खाना ठीक है, क्योंकि फास्ट का मतलब फास्ट रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पेट भर के खा लो फिर मतलब ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये रहे सिंघाड़ा, और ग्लास में चाय पी रही है। अरे मेरे लिए भी ले आती थोड़ी चाय, चाहिए कप ले आए, हम कप में नहीं पीते। ओके, अब सनाया आ चुकी है, और ये जो है पापा जी को डांस दिखाएंगी। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिसपे आप डांस करती हो? बावन गज पे डांस करोगी? अभी करवाते हैं आपको बावन गज। ओके, इधर क्या बावन गज क्या लिखना पड़ता है? बावन गज 52 गज। बावन गज का नंबर पे एक्चुअली इनका मूड है, मूड के ऊपर सबको डिपेंड करता है। आज इसका बच्चे का बिल्कुल भी मूड नहीं है डांस करने का। किस चीज का मूड है बताओ, किस चीज का मूड है आपका बताओ? किस चीज का मूड है, क्या देखोगे? भाव का मूड है, इन्हें बस भाव दे। तो फिलहाल एडिटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, और एक्चुअली जो है एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी मम्मी जी को लेके जाना है तो उन्हें दिखाने के लिए। तो बाय द वे टाइम हो गया है, शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी तो मेरे पास आज इतना टाइम था कि मैं 2-3 ब्लॉग जो है एडिट कर देता, बट अभी जाना पड़ रहा है, तो वहाँ सबसे पहले होके आते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है नीचे मेरे यहाँ मार्बल लग गया है, तो मेरी जो छोटी वाली कार है मतलब वैगनआर है, तो उसे यहाँ पे पार्क नहीं किया गया, उसे सामने पार्क किया, वो दिख रही होगी मे बी। तो एक्चुअली मेरे पड़ोसी हैं अंकल जी, तो उन्हें क्या खड़ी कर दी है, तो उनसे भी जो है बाहर के लॉक की की लेते हैं, पहले खोलते हैं फिर कार को बाहर निकालते हैं, और फिर जो है हॉस्पिटल जाते हैं। तो मम्मी जी तो हॉस्पिटल में चली गई, और मैं भी वहीं था, मैं तो बाहर आ गया हूँ गाड़ी में। तो यहाँ पे एक्चुअली एक डिलीवरी केस था, तो बेबी बॉय हुआ है, तो अभी तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं तो जो है हो सकता है निकल जाऊँ, मम्मी जी यहाँ पे रुकेंगी, तो हो सकता है शाम को जो है उन्हें लेने आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ी देर यहीं वेट करते हैं। और आज एक सीन हो गया कि मेरा 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, वो भी एक दिन में। एक्चुअली मैं कोर्ट आज गया नहीं था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम था, इस वजह से मुझे आना पड़ा था। और कल 2 दिन की छुट्टी है, सेकेंड सैटरडे एंड संडे, तो आज मैं जा नहीं पाया था। तो एक क्लाइंट आया था,
मतलब उसका थोड़ा सा काम था तो उसमें अराउंड 20,000 के आसपास जो है फीस मिलनी थी, वो मतलब एक दूसरे एडवोकेट के पास में चला गया, तो अपना जो है 20,000 का नुकसान हो गया एक दिन में। तो कभी कभी हो जाता है लाइफ में, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन फिर भी जो है एक दिन नहीं जाने से कितना बड़ा फर्क पड़ा है। तो आज यहाँ पे जो है खैर पार्किंग मिल गई इधर, एक्चुअली काफ़ी सारी शॉप जो है बंद पड़ी हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल गई, वरना यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। एक्चुअली ये पूरा हॉस्पिटल का एरिया है, एक इधर सामने भी हॉस्पिटल है, इधर हॉस्पिटल है, तो इधर जो है सड़क के दोनों तरफ काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ी पार्क होने में काफ़ी जो है दिक्कत होती है। तो बाय द वे 8:15 हुआ है, और एक्चुअली मेरे मामा जी की लड़की हैं, तो इन्हें जो है बेबी बॉय हुआ है, तो इसी वजह से जो है अब तो बाकी सब कुछ सही है, तो इसे बेबी को जो है यहाँ पे एक दूसरे बच्चे वाले हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए हैं। वैक्सीनेशन वगैरह होता है, वही सब होना है, हेपेटाइटिस बी वगैरह का आई थिंक वही जो है लगेगी वैक्सीन या बाकी जो भी वैक्सीनेशन होता है, तो इसलिए आए हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है घर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो अभी भी जस्ट मैं वापस आया हूँ और 9:42 हो गए। बाकी डिनर वगैरह तो आज जो है बाहर ही हो गया था। एक्चुअली जो है वहाँ पे जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है उन्होंने बोला था कि कुछ जूस वगैरह पी लो और खा पी लो, तो साथ में जो है मैंने भी वही खा पी लिया, तो पेट भर गया, अब खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और बाद में काफ़ी थक गया हूँ, समझ गया हूँ समझो बैठने का मौका नहीं मिल पाया, कहीं इधर हॉस्पिटल में कहीं उधर, ये सब जो है काफ़ी थक गया हूँ, अब जो है आराम से बस सोना है। तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। यह है कि क्या बकवास करते रहते हो।